एक तरफ जहां बॉलीवुड के दबंग खान को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं पाकिस्तान है कि अपने बेतुके बयानों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा बयान आया है जिसे सोशल मीडिया में खलबली मचा दी है। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को मिली 5 साल की सजा पर पाक के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सलमान को 5 साल की सजा सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर वो उसी समुदाय के होते जिसकी वहाँ सरकार है तो शायद उन्हें इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती और कोर्ट भी नरमी बरतता। बस फिर क्या था, ख्वाजा आसिफ के इस बयान का ट्विटर पर लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक ट्विटर यूजर ने पूछा, इस केस में सैफ अली खान को बरी कर दिया गया, क्या वो हिंदू हैं? तो वहीं दूसरे यूजर ने पूछा, संजय दत्त के बारे में क्या कहोगे, उनको 1993 के बम ब्लास्ट केस में सजा सुनाई गई थी। एक विदेश मंत्री से आप इस तरह के बयानों की उम्मीद नहीं रख सकते। तो देखा आपने किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए ख्वाजा आसिफ की सोच को लोगों ने करारा जवाब दिया है। फिलहाल ये देखना बाकी है कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान बेल पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं।